वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे स्टार्टिंग बिजनेस साइकिल लेक्चर नंबर 14। जल्दी से आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए ऑनलाइन ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए सेशन को स्टार्ट कर सकें। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। या स्टार्टिंग द क्लास विद इन अ वेरी फ्यू सेकेंड। आप लोग जल्दी से ज्वाइन करिए सभी लोग। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरी वन। अब वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट द बिजनेस साइकिल। तो आप लोग जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, शेयर करिए, लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जुड़ जाइए लेक्चर नंबर 14 बिजनेस साइकिल के लिए। सो ऑल दोज कैंडिडेट यू आर ज्वाइनिंग इन अ वेरी फर्स्ट टाइम, माई नेम इज अनुभव सिंह। सिंस लास्ट 11 ईयर, पिछले 11 सालों से लगातार टीचिंग में और रिसर्च में जुड़े हुए हैं इंडिया के टॉप टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, IIM लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, LPU, MIT यूनिवर्सिटी शारदा। मेंटर्ड एंड गाइडेंस मोर देन 1000 कैंडिडेट, 1000 से ज्यादा बच्चे मेरे गाइडेंस में नेट GRE क्वालिफाई कर चुके हैं। क्रैक द UGC नेट GRE 4 times इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। पब्लिश मोर देन 20 रिसर्च पेपर इन इंडेक्स जर्नल्स। MBA इंटरनेशनल बिजनेस, MCOM, IB, MA इकोनॉमिक्स एंड PhD अप्लाइड इकोनॉमिक्स। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द व्यावसायिक चक्र, बिजनेस साइकिल की हम लोग बात करेंगे।
कैसे बिजनेस साइकिल अप एंड डाउन्स होती है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसके इफेक्ट क्या होता है, उसको ओवरकम कैसे करते हैं, और किस किस स्टेज पर क्या हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा, कैसे इकोनॉमी को प्रभावित करता है बिजनेस साइकिल, सब चीजों की आज हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल शोज द पीरियोडिक अप एंड डाउन्स मूवमेंट इन इकोनॉमी एक्टिविटी। एक इकॉनमी है, उसमें जितने भी अप एंड डाउन्स एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज को हम बिजनेस साइकिल के अंतर्गत रखते हैं। तो शोज द पीरियोडिक अप एंड डाउन, पीरियोडिक मतलब एक स्पेसिफिक अवधि के अंदर, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होती है इकॉनमी, फिर डाउन होती है। उन सभी गतिविधियों को, उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग बिजनेस साइकिल के अंतर्गत नापने की, मेजर करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम मूव इन अ साइक्लिकल मैनर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग एक एक ओवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3 महीने का ले लीजिए, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, उसके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना उसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मूवमेंट मतलब कितना उसमें एक्टिविटी, कितनी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं उसमें, वो सब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उन सभी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और भाई सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग बिजनेस साइकिल के अंतर्गत मेजर करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज अप हुई, कौन कौन सी एक्टिविटीज डाउन हुई। तो वॉट एवर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, एम्प्लॉयमेंट विद इन द कंट्री और इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स मूव इन अ साइक्लिकल मैनर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। तो साइक्लिकल मूवमेंट इज कैरेक्टराइज बाय, साइक्लिकल मूवमेंट इज कैरेक्टराइज बाय अल्टरनेटिव वेव्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन। एक्सपेंशन मतलब फैलाना, कॉन्ट्रेक्शन माने संकुचित। तो साइक्लिकल मूवमेंट होता है, साइक्लिकल मूवमेंट इज करेक्टराइज, मतलब करेक्टराइज मीन्स किस किस तरीके से हम लोग अल्टरनेटिव वेव्स देखते हैं, कभी आपका एक्सपेंशन हो रहा है, कभी आपका कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब फैलाना, व्यापार को फैला रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शन मतलब संकुचित होना। इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अल्टरनेटिव पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। इट्स एसोसिएटेड विद द, कब आपकी कंट्री प्रॉस्पेरिटी में है, मतलब ज्यादा बढ़िया पैसा चल रहा है, इकॉनमी ग्रो कर रही है, और कब आपकी इकॉनमी डिप्रेशन मतलब मंदी के दौर से गुजर रही है। तो बिजनेस साइकिल के तहत हम लोग यही देखते हैं, क्योंकि दुनिया के हर इंसान की एक लाइफ साइकिल होती है। एक इंडिविजुअल इंसान की लाइफ साइकिल देखिए, पहले इन्फेंट हुआ, फिर किड हुआ, फिर यंग हुआ, फिर एडल्ट हुआ, फिर कहीं ना कहीं आपका मेच्योरिटी स्टेज आई, फिर ओल्ड एज की आई, फिर कहीं ना कहीं हम लोग डिक्लाइन में, सब इंसान की डेथ भी होती है। ऐसे बिजनेस साइकिल में बहुत सारे, इसमें खत्म नहीं होता, इसमें बस बस अप एंड डाउन आते हैं, दोबारा रिवाइव करते हैं हम लोग। कैसे इकॉनमी बूम पे गई, फिर रिकवरी पे गई, फिर स्लो डाउन पे गई, फिर डिप्रेशन पे गई, किन किन कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, उन सभी मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं बिजनेस साइकिल के अंतर्गत। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल, व्यवसायिक चक्र के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी मतलब होता है कि एक पीरियड्स का मतलब है कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक मूवमेंट, एक टाइम की बात होती है। वेव लाइक मूवमेंट इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अकर एट ए इंटरवल एट ऑफ 6 to 12 ईयर। तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट की वेव दिखती है, जो हलचल दिखती है इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, वो हर 6 से 12 साल में दिखती है। और गैप बिटवीन टू साइकिल इज नॉट रेगुलर और प्रिडिक्टेबल विद सर्टेनिटी। और जो गैप होता है दो साइकिल के बीच में, एक रेगुलर गैप नहीं होता, कभी 6 साल का गैप है, कभी 7 साल का, कभी 8 साल का, कभी 12 साल का, कभी 4 साल का। तो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस साइकिल, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल इकोनॉमीज, बाहर की इकोनॉमीज की बात करिए, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो इट माइट रिड्यूस, इट माइट इंक्रीज। जो गैप होता है दोनों साइकिल के बीच में, रेगुलर नहीं होता, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी ज्यादा गैप होता है, कभी कम गैप होता है। तो पीरियडिसिटी का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक समय के बाद इकॉनमी अप से डाउन पे जाती है, फिर अप पे जाती है, फिर डाउन पे जाती है, फिर अप पे जाती है, उसी को बोले हैं पीरियडिसिटी। सिंक्रोनिज्म, सिंक्रोनाइज होता है सभी को जोड़ना। इंपैक्ट ऑफ ऑल द एम्ब्रेसिंग लार्ज सेक्शन ऑफ इकॉनमी एक्सपीरियंस द सेम फेस हैपेंस बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। ये क्यों होता है? क्योंकि जितने भी सेक्टर्स आए इकॉनमी में, वो सब आपस में इंटरडिपेंडेंसी है। ऑटोमोबाइल फ्यूल पे है, ठीक है,
कहीं ना कहीं सभी सेक्टर्स हैं आप में, आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंसी है उनकी। बैंकिंग हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एफएमसीजी हो गया, टेक्सटाइल हो गया हमारा, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। तो जितनी भी इंडस्ट्री हैं देश में, जितने भी सेक्टर हैं, वो आपस में सब इंटरडिपेंडेंसी हैं। एक सेक्टर्स के बढ़ने के चक्कर में दूसरे सेक्टर्स के भी प्राइसेस बढ़ते हैं। अभी देखिए फ्यूल, पेट्रोल और डीजल, देखिए पेट्रोल 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है, बहुत सारे स्टेट में 100 रुपए भी क्रॉस कर गया, और डीजल भी 90 रुपए के करीब पहुंच गया है। तो आज पेट्रोल और फ्यूल पे कौन कौन सी इंडस्ट्री है, दुनिया की सारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं फ्यूल पे डिपेंडेंट है। भले हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। तो फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारा ऑटोमोबाइल में डिमांड मार्केट में कम होगी। सो ये सिंक्रोनिज्म है कि आपस में सभी सेक्टर जुड़े हुए हैं, एक सेक्टर्स के बढ़ने से दूसरे सेक्टर्स पे प्रभाव पड़ता है। सेल्फ रीइन्फोर्सिंग ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंसी इन द इकॉनमी, साइक्लिकल मूवमेंट फेस्ड बाय वन सेक्टर स्प्रेड टू अदर सेक्टर इन द इकॉनमी, फ्रॉम वन इकॉनमी टू द अदर इकॉनमीज, दस द अपवर्ड स्विंग ऑफ द साइकिल रीइन्फोर्स। रीइन्फोर्स मतलब खुद से दोबारा दोबारा क्या, रिवाइव करने के लिए, दोबारा दोबारा आपकी तरफ जाने के लिए, रिवाइव करना जिसको बोलते हैं हम लोग, स्वचालित ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में। दस द अपवर्ड स्विंग ऑफ द साइकिल रीइन्फोर्स फॉर फर्दर अपवर्ड मूवमेंट एंड वाइस वर्सा। इकॉनमी सब आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, एक इकॉनमी बूम पे गई तो एक 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 सेक्टर बूम पे गया तो उसके रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं वो ऑटोमेटिकली रीइन्फोर्स करते हैं, ऑटोमेटिकली स्वचालित होते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेक्टर चलते हैं और इकॉनमी में ग्रो आता है। इकॉनमी फिर बूम पे जाएगी, फिर डिप्रेशन पे जाएगी, फिर रिकवरी पे जाएगी। तो एक इकॉनमी है वो अपने आप में सेल्फ रीइन्फोर्समेंट करती है, स्वचालित करती है, खुद से चलती है, क्योंकि एक सारे के सारे सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है, आपस में सब जुड़े हुए हैं। एक सेक्टर पे प्रभाव पड़ने से दूसरे सेक्टर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बेसिक बिजनेस साइकिल समझ में आ गया होगा आपको। अब आया फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, कौन कौन से बिजनेस साइकिल में फेजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, देखिए आपको साफ दिख रहा होगा फोटो से। देखिए कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन हुआ, फिर इकॉनमी पीक पे पहुंची, फिर स्लंप मतलब डाउन हुई इकॉनमी, फिर हमारा इकॉनमी कहां पहुंची, एक्सपेंशन पे पहुंची। तो देखिए बी टू सी, ये देखिए ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ। तो बी टू सी कहीं ना कहीं ये वाला जो है कि कौन सा है, ये फेजेस कौन सा है, एक्सपेंशन वाला फेज है भाई। हम लोग सी से डी वाला देखेंगे, ये कौन सा पीक पे है, इकॉनमी कहां पर है, पीक पे है अपने। फिर डी से ई वाला कौन सा है, ये रिसेशन वाला फेस है, मंदी का दौर चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है। डी से ई स्लंप डाउन, डाउन इकोनॉमी डाउन पे जा रही है। ठीक है, क्लियर। और फिर ए टू बी, ये ए टू बी वाला, और ई टू एफ ये कौन सा है, ट्रॉ, या जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, आर्थिक मंदी की दौर गुजर रहा है, किधर गुजर रहा है, आर्थिक मंदी, मतलब बहुत ज्यादा मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो एक फेजेस है इकॉनमी, पूरे 6 से 12 सालों में इकॉनमी की लाइफ साइकिल होती है जो पूरी इकॉनमी रिवाइव करती है। तो टाइम गैप बिटवीन टू बाउट ऑफ ट्रो बिटवीन बी टू ई और पीक फ्रॉम डी टू जी, डी टू जी,
यहां से लेकर यहां तक जी कैन वेरी फ्रॉम 6 to 12 ईयर। तो पूरी इकोनॉमी की जो साइकिल होती है ऑफेनली प्राय माना ये जा रहा है कि 6 से 12 साल में अपने आप रिवाइव करती है, अपने आप कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज पे होगी, फिर इकॉनमी एक्सपेंशन पे जाएगी, फिर पीक पे जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर स्लम, फिर एक्सपेंशन। तो इकॉनमी ऐसे ऐसे करकर लगातार 6 से 12 सालों में अपने आप ऊपर नीचे होती रहती है। फॉर 3 to 5 ईयर इकॉनमी एक्सपीरियंस ग्रोथ, 3 से 5 साल में इकॉनमी एक्सपीरियंस कर रही है, अनुभव कर रही है ग्रोथ। देन फॉर अनदर 3 to 5 ईयर इट फेसेस द कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन। शुरू के 3 से 5 साल में इकॉनमी क्या कर रही है, एक्सपेंशन। उसको लग रहा है कि इकॉनमी एक्सपीरियंस कर रही है, कि इकॉनमी ग्रो कर रही है, इकॉनमी पैसा कमा रही है, इकॉनमी मजबूत हो रही है, बट अगले 3 से 5 साल में फिर लगता है कि इकॉनमी मंदी के दौर से गुजर रही है। जी जी इज द स्टडी ग्रोथ लाइन, ये जी और ये जी, जी जी इज द स्टडी ग्रोथ लाइन टू शो द जर्नल ट्रेंड इज दैट ऑफ ग्रोथ। तो नॉर्मली देखते हैं कि ग्रोथ कितनी हुई, यहां से लेकर यहां तक की ग्रोथ हुई है। तो पूरी साइकिल 6 से 12 साल में किस तरीके से चलती है वही बताने की कोशिश की है, कि कौन कौन से फेजेज होते हैं बिजनेस साइकिल में। यहां से 100% क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा, नोट्स आप लोग को मिल ही जाते हैं जो पेड ग्रुप है उनमें। तो टाइम गैप बिटवीन द टू बाउट्स ऑफ ट्रो फ्रॉम बी टू ई और पीक फ्रॉम बी टू डी कैन वैरी फ्रॉम 6 to 12 ईयर। फॉर 3 to 5 ईयर इकॉनमी एक्सपीरियंस ग्रोथ, स्टार्टिंग में इकॉनमी ग्रोथ एक्सपीरियंस करती है, उसके बाद इकॉनमी फिर डाउन की तरफ चली जाती है, डाउन मतलब मंदी के दौर से गुजर जाती है। तो ये एक लाइन है, ब्लू लाइन है बिल्कुल, ये एक स्टडी ग्रोथ लाइन को दर्शाती है। तो एक्सपेंशन बी टू सी, सी टू डी पीक, डी टू ई स्लंप रिसेशन, और ई टू एफ और ए टू बी, ये कौन सा ट्रॉ या आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है देश। अब आया फेजेस, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। पहला हुआ एक्सपेंशन, व्हेन ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन इंक्रीज। तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं एक्सपेंशन की स्थिति में क्या होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, प्राइस मूव अप, प्राइस बढ़ता है, मनी सप्लाई इंक्रीज, सेल्फ रिइंफोर्सिंग फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, पुशस द इकॉनमी अपवर्ड। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी खूब मिल रही है, लोग पैसा भी खूब कमा रहे हैं, कंजम्पशन भी खूब हो रही है। सो सीधी सी बात है कि इकॉनमी एक हेल्दी इकॉनमी होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, हेल्दी इकॉनमी होती है बच्चों, कौन सी इकॉनमी, हेल्दी इकॉनमी। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये समझिए, जैसे कि कहते ना, कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड। जब मार्केट में पैसा होगा तो लोग, मार्केट में पैसा होगा लोगों के पास पैसा होगा तो मार्केट में पैसा होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर मार्केट में इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो एक्सपेंशन की स्थिति ऐसी स्थिति बोली जाती है बिजनेस साइकिल की, जहां पर सारे के सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अपने बढ़िया कर रहे होते हैं, आउटपुट चरम सीमा पे होता है, इंप्लॉयमेंट भी बहुत बढ़िया होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, इनकम भी लोगों की बढ़ रही होती है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा होता है, प्राइस मूव करता है, उसके साथ साथ मनी सप्लाई भी बढ़ती है, सेल्फ रिइंफोर्सिंग स्वचालित इकॉनमी रिइंफोर्स करती है, और बिजनेस साइकिल ऊपर की तरफ बढ़ती है, कहां की तरफ, अपवर्ड। बिजनेस साइकिल ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है बच्चों, समझ गए, फिर डाउट। एक्सपेंशन के बाद अगला आया पीक, चोटी, सबसे ऊपर, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रोथ रिफर्स टू एज अ बूम। बूम पे पहुंच गई इकॉनमी, कहां पहुंच गई, बूम पे पहुंच गई इकॉनमी, पीक पे पहुंच गई। स्टेज बियॉन्ड द बिच नो फर्दर एक्सपेंशन इज पॉसिबल, सी इज द डाउनवर्ड टर्निंग पॉइंट। इकॉनमी सब पीक पे पहुंचती है, बूम पे पहुंचती है, सबसे ऊपर चोटी पे पहुंचती है, उसके बाद ऐसी स्थिति पे जब इकॉनमी पहुंच जाती है जहां से आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति को पीक या बूम बोला जाता है। यहां से इकॉनमी डाउनवर्ड की तरफ बढ़ती है, कहां की तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ बढ़ती है। एक जो चरम सीमा हुआ, एक स्टेज हुई जहां पर आप मैक्सिमम पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, आपकी इकॉनमी नीचे की तरफ पहुंचेगी, डाउनवर्ड की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी, किधर होगी, डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन मींस द स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकॉनमी बूम के पास कहां पहुंची, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचित, रिसेशन, मंदी, मंदी की तरफ पत्र पहुंची, कहां पहुंच गई, मंदी की तरफ पहुंच गई। इट मींस द स्लोइंग डाउन प्रोसेस ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन द स्लो डाउन की तरफ पहुंच गई।
हमने आपको बताया एक बार पीक पे पहुंच गए, चोटी पे पहुंच गए, उसके बाद आप क्या हो गए, हल्के हल्के डिक्लाइनिंग पे पहुंचोगे, हल्के हल्के डाउनवर्ड, क्योंकि पीक ऐसी स्थिति मानी गई है जहां से बच्चों नीचे आगे बढ़ने की सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, आप वहां से केवल नीचे ही पहुंच सकते हैं, उसी स्थिति को रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन कहा गया है। अब आया ट्रो और स्लम्प, ये एक ही बात है, स्लम्प मतलब और मंदी। द लोएस्ट ईबीबी ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, मतलब लोएस्ट आप इकोनॉमिक साइकिल फॉलोड बाय द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट या साइकिल व्हेन न्यू ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट एफ्रेश, ये यहां से फिर नया ग्रोथ प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्लम के पास आप पहले कॉन्ट्रैक्शन, फिर मंदी के दौर के पहुंचे, मंदी के बाद स्लम पे पहुंच गए। स्लम के पास, स्लम एक ऐसी स्थिति होती है जहां उसके नीचे आप नहीं जा सकते, स्लम इसे आखिरी स्थिति हो गई, उसके बाद कहां जाओगे, सीधे फिर ऊपर की तरफ बढ़ोगे आप, समझ गए। सो स्लम्प में जहां से मुद्दा क्या हुआ कि नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट, जहां से दोबारा मुड़ोगे आप अपवर्ड की तरफ। अब आया व्हाट इज रिसेशन, व्हाट इज रिसेशन, मंदी क्या है, मंदी क्या होता है। रिसेशन इज अ डिक्लाइन इन अ कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फॉर टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ ए ईयर, मतलब यहां पे समझिए आपको बताते हैं हम, जब लगातार दो क्वार्टर्स में, दो टू कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में आपकी जीडीपी डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है, आपकी जीडीपी डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेशन। एग्जाम्पल कि मान लीजिए 2017, 18, 19, 20, 21, 17 में जीडीपी थी, 17 मार्च टू अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून और अप्रैल टू जून, मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। हम लोग रिसेशन में लगातार, मतलब एक साल में 4-12 महीने होते हैं, सिंपल समझिए, एक साल में 12 महीने, अप्रैल टू जून 12 महीने में 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। कहने का मतलब है अगर अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर जीडीपी डाउन गई, उसको रिसेशन नहीं कहते हैं। रिसेशन में थोड़ी समझने वाली बात है कि इज ए डिक्लाइनिंग इन अ कंट्री जीडीपी फॉर टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स ऑफ ए ईयर, एक साल के, मतलब अप्रैल टू जून में यहाँ पे 7 जीडीपी थी, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। देखिए हम लोग जब कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर सेम ईयर का देखेंगे, अभी कौन महीना चल रहा है, मई, तो हम लोग ये देखेंगे कि अप्रैल टू जून 20 में क्या जीडीपी कितनी गई, अप्रैल टू जून 19 में कितनी जीडीपी थी, अगर 19 में 7 जीडीपी थी, अप्रैल टू जून 20 में, 2020 में जीडीपी 6 हुई और 2021 में जीडीपी 5 हो गई, तो समझ लीजिए देश आर्थिक मंदी की दौर गुजर रहा है। तो रिसेशन में हम लोग पिछले साल का सेम क्वार्टर देखते हैं, समझ गए, सेम क्वार्टर देखते हैं। तो रिसेशन इज ऑल्सो preceded by several quarters of slowing down. An economy which grows over a period of time tend to slow down the growth as a part of normal economic cycle. Recession में होता है क्या? Recession में demand कम हो जाती है, मंदी के दौर में demand कम होगी, जब demand कम होगी, demand कम, less production, जब demand कम है, marker पहले 10 बन रहे थे, marker की demand ही 5 है, तो क्या होगा, तो 5 ही प्रोड्यूस होंगे, 5 प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, पहले 10 लोग काम कर रहे थे 10 मार्कर बनाने के लिए, अब मार्कर ही प्रोड्यूस आपको 5 कर रहे हैं, तो लोग भी 5 ही काम करेंगे, तो उससे 5 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 5 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर डिमांड और कम हो जाएगी। तो एक रिसेशन में डिमांड कम होना शुरू होता है, क्या होता है, डिमांड कम होना शुरू होता है, कंज्यूमर्स लूज द कॉन्फिडेंस इन द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी एंड स्पेंड लेस, जितने भी कंज्यूमर और कस्टमर होते हैं वो इकॉनमी में कॉन्फिडेंस खो देते हैं और पैसा कम खर्च करना शुरू कर देते हैं। आपको लग रहा है देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने वाला है, आप पैसा बचा के रखते हो, तो पैसा बचा के रखते हो, मार्केट में खर्चा नहीं करते हो, तो क्या होगा कि मार्केट में डिमांड नहीं होगी, देयर इज नो डिमांड, नो प्रोडक्शन, नो प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, और मशीन नहीं चलेगी, फैक्ट्री नहीं चलेगी, प्रोड्यूस नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई होगा। इन्वेस्टर्स स्पेंड लेस, कंज्यूमर्स पैसा नहीं, कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस खो देते हैं और पैसा कम खर्चा करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेंडर्स, इन्वेस्टर स्पेंड लेस, दे फियर स्टॉक वैल्यूज विल फॉल एंड दस स्टॉक मार्केट फॉलो नेगेटिव सेंटीमेंट्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी,
स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। तो वो लोग पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते हैं, इसीलिए स्टॉक मार्केट और नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, समझ गए? रिसेशन, कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट बताइए। बिजनेस साइकिल आपको समझाया और आपको रिसेशन समझा दिया पूरा, कोई डाउट? एनी बड़ी शॉपिंग नहीं, डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए, अब आया कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, किन किन कारणों की वजह से बिजनेस साइकिल पे प्रभाव पड़ता है। पहला हो गया अर्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। पता ही है क्लाइमेट चेंज एक बहुत सच है, सन स्पॉट दे मे कॉजेज द डिफरेंट मूड्स, है ना? तो क्लाइमेट चेंज जो होता है, इसमें एग्जाम्पल लें कि सन स्पॉट, सूरज के जो स्पॉट्स होते हैं, पता नहीं चल पाता कब बारिश होगी कब धूप होगी। ऐसे क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम चेंज हुआ है, तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है बिजनेस साइकिल। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड कंज्यूमर्स सच एज मूड्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। एंटरप्रेन्योरशिप का जो मनोवैज्ञानिक होता है प्रभाव होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा पड़ता है एंटरप्रेन्योर्स और कंज्यूमर्स पे, उसकी वजह से भी हमारी बिजनेस साइकिल अप एंड डाउन जाती है। मॉनिटरी फिनोमिना लाइक चेंजेस इन द मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिया आपने, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया ना। तो अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई, मनी सप्लाई कम, लेस डिमांड, लेस डिमांड, लेस प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन, लेस एम्प्लॉयमेंट, लेस एम्प्लॉयमेंट, फिर कहाँ इकॉनमी कहाँ जाएगी? फिर आपकी डिक्लाइनिंग पे जाएगी। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर होते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर, हमने आपको समझाने की बात किया, तीन पिछले 2018 19 19 20 और 20 21। मॉनेटरी फिनोमिना लाइक चेंजेस इन मनी सप्लाई, समझ गए? अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है, मनी सप्लाई अगर कम होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा सप्लाई कम, सप्लाई कम तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा? जनरेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक फैक्टर सच एज ओवर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गया, अंडर कंजम्पशन एंड ओवर सेविंग, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गया, कंजम्पशन बहुत कम हुआ, लोगों ने कंज्यूम करना कम कर दिया, सेविंग लोगों ने ज्यादा कर दी, तब भी मार्केट में क्या होगा? एक मंदी के दौर से गुजरने पड़ेंगे। शॉक्स इन द कंडीशन अंडर विच प्रोड्यूसर सप्लाई गुड सच एज टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रो, कभी कभार टेक्नोलॉजिकल की वजह से टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रो हो गया, टेक्नोलॉजी कोई नई आ गई या नया टेक्नोलॉजी नहीं आ पाया, उसकी वजह से भी बिजनेस साइकिल में उतार चढ़ाव देखने को बच्चों हम लोगों को मिलते हैं। अब आया रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, किसने दिया? जॉन मूथ ने दिया, MUTH 1961 में। तो एक्सप्लोर्ड बाय द जॉन इन 1961 एंड अदर्स, मेनली जॉन ने दिया था ये, कब दिया? 1961 में दिया। इसमें इन्होंने बोला फ्लक्चुएशंस एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर द रिजल्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ रियल शॉक दैट हिट द इकॉनमी। इनका कहना था कि इकॉनमी में तो फ्लक्चुएशंस होते हैं और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों परिणाम है किसके? एक रियल शॉक के, इकॉनमी में एक रियल शॉक देखने को मिलता है। मार्केट एडजस्ट टू दी मार्केट एडजस्ट टू दी शॉक्स रिपीटली एंड ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मार्केट इन सब शॉक्स के साथ एक साथ रिपीटली क्या करती है? एडजस्ट कर लेती है अपने आप को और हमेशा एक इक्विलिब्रियम स्टेज पर रहती है। किस पे? इक्विलिब्रियम मतलब बराबर, समान, एक समान स्टेज पर रहती है। द अप एंड डाउन आर कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजीज और अदर सिमिलर शॉक्स टू सप्लाई साइड ऑफ द इकॉनमी। जॉन ने बोला था कि जो अप एंड डाउन होते हैं इकॉनमी में वो टेक्नोलॉजी की वजह से होते हैं, उसके अलावा कुछ और थोड़े बहुत सिमिलर शॉक जैसे कि सप्लाई साइड, सप्लाई कम कर दी, सप्लाई बढ़ा दी, मार्केट में मार्कर की सप्लाई कम कर दी तो डिमांड बढ़ जाएगी,
डिमांड मतलब सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेंगे, और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम होंगे, एक में इन्फ्लेशन आएगा एक में डिफ्लेशन आ जाएगा। तो जॉन ने बोला है कि बिजनेस रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी में कि अप एंड डाउन जो होते हैं इकॉनमी में वो टेक्नोलॉजी फैक्टर की वजह से होते हैं, उसके अलावा सप्लाई साइड ऑफ द इकॉनमी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंसी ऑफ सप्लाई साइड ऑफ बिजनेस। सही में सप्लाई साइड ऑफ बिजनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिफ्लेक्ट द आउटकम्स ऑफ रैशनल डिसीजन मेड बाय मेनी इंडिविजुअल्स, मिनिमाइज द रोल ऑफ नॉर्मल फ्लक्चुएशन इन मनी। इन्होंने बोला है कि जो नॉर्मल नॉमिनल फ्लक्चुएशंस होते हैं इकोनॉमी में, और पैसे का बहुत बड़ा रोल नहीं है। ये जॉन के कहने वाले हैं, इसमें आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको केवल याद करना है, क्योंकि वी कैन नॉट इंटरप्रिटेड, वी कैन नॉट एनालाइज द थिंग्स। बस जो जॉन ने बोला वो हमको याद करना पड़ेगा कि नॉमिनल फ्लक्चुएशंस को हम लोग इसमें ध्यान नहीं देते। आगे रियल बिजनेस साइकिल में पॉस्टुलेट दैट ए बूम विल अकर। कब बूम होगा? विद द इन्वेंशन ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग डिवाइस, एंटरप्रेन्योर इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंड द आउटपुट एंड एम्प्लॉय मोर पीपल। इनका कहने का मतलब है कि बूम कब आएगा इकॉनमी में, जब एक नया टेक्नोलॉजी आप प्रयोग करेंगे, नया टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एंटरप्रेन्योर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, आउटपुट बढ़ेगा, फिर अगर आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों को और रोजगार मिलेगा। इनके कहना है रिसेशन कब आएगा? रिसेशन विल अकर व्हेन न्यू एडवांस लैकिंग, प्रोडक्टिविटी लो, दैट पॉइंट एम्प्लॉयज रैशनली चूज नॉट टू प्रोड्यूस एज मच। बूम कब आएगा आपको पता हो गया, रिसेशन कब आएगा जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी लो होगी, एम्प्लॉयज क्या करेंगे रैशनली ये चूज करेंगे कि ज्यादा प्रोड्यूस मत करो। ऑल दो बूम्स आर नाइसर देन रिसेशन, बट पता ही है बूम्स अच्छा होता है रिसेशन से, बट देर इज नो नीड टू रिएक्ट टू ईदर एट द रिप्रेजेंट द वेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। सीधी सी बात है, बूम अच्छा होता है, रिसेशन मंदी का दौर बेकार होता है, और देर इज नो नीड टू रिएक्ट टू ईदर। आपको दोनों में रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि इकॉनमी अपने आप सेल्फ रीइंफोर्स करके दोबारा रिवाइव कर जाएगी। क्या करेगी? दोबारा रिवाइव कर जाएगी। अब आया इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। क्या इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल? पहला ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन की स्थिति होती है उस दौरान बिजनेस साइकिल कैसे प्रभावित करती है? हाई ग्रोथ, लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है उस जमाने में, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन हाई ग्रोथ देखने को मिलती है, लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट फोर्सेस मोर मनी सप्लाई इन द सिस्टम। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है सिस्टम में, मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ती तो डिमांड फॉर फैक्टर इनपुट इंक्रीज, फिर डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस इंक्रीज विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो बेसिस एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्रीज। सीधी सी बात है, जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इनपुट कॉस्ट जो होती है मार्केट को बनाने में, प्लास्टिक, रबड़, इंक, इनपुट कॉस्ट की कॉस्टिंग बढ़ेगी। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएगा, प्राइसेस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, वेजेस एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स आल्सो इंक्रीज। उसके बाद सेवियर कंपटीशन, कंपटीशन भी बढ़ेगा, फर्म रिजॉर्ट टू लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। कंपटीशन बढ़ता है तो क्या होता है, कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना पड़ता था, जैसे कि पब्लिसिटी करनी पड़ती है और एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। ये तो था ड्यूरिंग एक्सपेंशन, हाई ग्रोथ, इन्फ्लेशन, सेवियर कंपटीशन। अब आया इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल ड्यूरिंग रिसेशन, जब मंदी के दौर से होता है तब क्या करते हैं, एक्सेस इन्वेंट्री। दोज फर्म विच हैड प्रोड्यूस द अबंडेंस ड्यूरिंग एक्सपेंशन फेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग अनसोल्ड आइटम्स। जब क्या होता है, जब मार्केट मंदी के दौर से गुजर रहा होता है, जब प्रोड्यूसर्स को एक बहुत बुरी, एक बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसको एक इन्वेंट्री जो एक्सेस हो जाती है, जो अनसोल्ड आइटम्स होते हैं, जो अभी तक की नहीं बिके, उसको मेंटेन करना, उसको कैरी करना, उसको रिजर्व करना, एक बहुत बड़ा दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी चरम सीमा पे होती है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट रिसेशन फेज इज मार्केटेड बाय लार्ज स्केल रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट, नौकरी को, नौकरी से लोगों को निकाल देना, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट इज ऑल अबाउट जब नौकरी से निकाल दिया जाता है।
बिलो कैपेसिटी ऑपरेशन एंड लिक्विडेशन ऑफ द फर्म। हम लोग कैपेसिटी जितनी होती है उस उतनी कैपेसिटी से काम नहीं करते, बिलो कैपेसिटी ऑपरेशन करते काम करते हैं, और बहुत सारी फर्म्स को लिक्विडेट किया जाता है। लिक्विडेट मतलब समापन कर दिया जाता है। तो ड्यूरिंग द रिसेशन, ड्यूरिंग द जब मंदी के दौर से गुजर रहा होता है बिजनेस साइकिल, इन्वेंट्री एक्सेस होती है, उसको रिजर्व करना होता है, बेरोजगारी चरम सीमा पे होती है, अपने पूरे ऑपरेशंस को, अपने पूरे बिजनेस को हम लोग पूरी कैपेसिटी के साथ यूज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बिजनेस को लिक्विडेशन की स्थिति में सामना करना पड़ता है। अब आया कंट्रोलिंग द बिजनेस साइकिल, किस हिसाब से बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करते हैं एट फर्म लेवल। फर्म लेवल मतलब एट ए कंपनी लेवल, कंपनी लेवल पर किस तरीके से मेंटेन करेंगे। प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन। जब आपको एक्सपेंशन कर रहा है बिजनेस को, उस समय दो तीन चीजों पे आपको दिमाग में रखना है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिटर फ्रॉम इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन अ फिक्स एसेट। बहुत ज्यादा पैसा फिक्स एसेट पे खर्चा मत करिए। फिक्स एसेट मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम बनाई है, मशीन, क्योंकि जब फिक्स एसेट पे बहुत ज्यादा पैसा खत्म कर दिया और फैक्ट्री बंद हो गई या मंदी के दौर से गुजर रहा है, उस समय फिक्स एक्सपेंसेस का, फिक्स एसेट का पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको प्रिकॉशनरी मेजर, कौन से मेजर्स लेने हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। सुरक्षित तरीके से चलिए, आप सोच समझ के चलिए। लोग कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना, तो सोच समझ के चलिए। इन्वेस्टमेंट कम करिए, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा मत करिए। शुड नॉट क्रिएट लार्ज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। ना ना तो आरपीएससी का वीडियोस मिलेगा, लगातार वीडियोस पड़े हुए हैं, लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे आपको आरपीएससी का, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। इन्वेंट्री शुड नॉट क्रिएट लार्ज इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। ठीक है, आप ना तो रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा रखिए और ना तो फिनिश गुड्स बहुत ज्यादा रखिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे, जब देश मंदी के दौर से गुजर रहा होगा, जब रिसेशन के दौर से गुजर रहे होंगे, उस दौरान आपको इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ जाएगी, उस इन्वेंट्री को रिजर्व करना पड़ेगा, उसमें कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व होगी और पैसा भी फालतू फालतू में जाएगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफाई इन डिफरेंट मार्केट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट, दैट रिस्क इज डाइवर्सिफाई। आप केवल मार्कर बना रहे हैं तो रिस्क आपका ज्यादा होगा। मार्कर के साथ लैपटॉप भी बना रहे हैं, हेडफोन भी बना रहे हैं, मोबाइल भी बना रहे हैं। जब बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करिए, खाने का सामान भी बनाइए, मोबाइल भी बनाइए। जब बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा, और डाइवर्सिफाई बिजनेस डिफरेंट मार्केट में करिए। लखनऊ में सामान भी बेचिए, दिल्ली में भी बेचिए, पंजाब में भी बेचिए, उड़ीसा में भी बेचिए, कलकत्ता में भी बेचिए, मुंबई में भी बेचिए। जब व्यापार भी डाइवर्सिफाई होगा, जब व्यापार डाइवर्सिफाई होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, तो रिस्क भी हमारा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यस राहुल, बीएडीएम का भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, चैनल सब्सक्राइब करिए आप, और आपको वीडियोस सभी मिल जाएंगी। आपको पहला था प्रिकॉशनरी मेजर, दूसरा हुआ क्यूरेटिव मेजर्स। क्यूरेटिव मेजर्स में प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी द राइट स्ट्रेटजी, सो दैट ड्यूरिंग द रिसेशन प्राइस में बी एडजस्टेड टू इंक्रीज द डिमांड विदाउट ईटिंग अवे द मार्जिन। प्राइसिंग अपना बहुत कंट्रोल प्राइसिंग करिए। फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी द राइट स्ट्रेटजी, प्राइसेस में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। कभी प्राइस बढ़ा दीजिए, कभी प्राइसेस कम कर दीजिए। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इनपुट कॉस्ट कम रखिए, कंट्रोल द वेस्टेज, बर्बादी कम करिए और ओवरऑल कॉस्ट को कम करिए। राहुल जी, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, इस लेक्चर के बाद मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है ऊपर, उस पर मैसेज करिएगा, रिकॉर्डेड क्लास आपको सब मिल जाएगी। वो पहले था एट ए फर्म लेवल, अब आया कंट्रोलिंग बिजनेस साइकिल एट ए गवर्नमेंट लेवल। सरकार को क्या क्या करना चाहिए, मॉनिटरी मेजर्स, रीडिस्काउंट रेट, एक्सपेंशन और रिसेशन, इंक्रीज द रीडिस्काउंट रेट टू कर्व द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई एक्सपेंशन के टाइम में मनी सप्लाई को रीडिस्काउंट का रेट करिए, ताकि मनी सप्लाई को रोक सके। रिसेशन, रिड्यूस द रेट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। उस एक्सपेंशन के दौर में मनी सप्लाई को कम करना है, रिसेशन के दौर में मनी सप्लाई को बढ़ाना है। रिजर्व रेशियो, ये कौन करेगा मेंटेन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। एक्सपेंशन रेशियो और इंक्रीज बैंक का लेफ्ट विद द लेस कैश टू बी एक्सटेंडेड एज ए क्रेडिट। आप रेट बढ़ा दीजिए। आपको पता है रेपो रेट अगर बढ़ा देंगे, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेती हैं। अगर रेपो रेट की रेट बढ़ा देंगे, अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, तो उनके पास बुल आगे लोन कम बांटेंगी। तो एक्सपेंशन के दौर में रेपो रेट के रेट्स बढ़ा दीजिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, ताकि बैंकों के पास पैसा कम रह जाए और बैंक के क्रेडिट पे पैसा कम दे सकें।
रिसेशन के दौर में रेशियोस को कम कर दीजिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब आया कंट्रोलिंग द बिजनेस साइकिल में ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओज, एक्सपेंशन में करिए सेल, सिक्योरिटीज को सेल कर दीजिए, रिसेशन में सिक्योरिटीज को बाय करिए, एक्सपेंशन में सेल, रिसेशन में बाय। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, बैंक्स आर एडवाइज टू एक्सटेंड क्रेडिट टू सर्टेन एरियाज वाइल रिस्ट्रिक्ट टू सर्टेन अदर एरियाज। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, बैंकों को सलाह देने चाहिए कि कुछ एरियाज में क्रेडिट को, क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाइए, कुछ एरियाज में रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। ये बेकार है, इसको मतलब नहीं है, एक बार देख लीजिए इसको भी। पहले थे मॉनिटरी मेजर्स, मॉनिटरी मेजर्स, अब आए फिस्कल मेजर्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार जो पैसा खत्म करती है। एक्सपेंशन के दौरान गवर्नमेंट रिड्यूस द एक्सपेंडिचर टू कटल द डिमांड, सरकार को अपने खर्चे कम कर देने चाहिए जिससे डिमांड को कम कर सकें। रिसेशन के दौरान जब देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, गवर्नमेंट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस एक्टिविटीज लाइक हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन टू इंक्रीज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। जब देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, सरकार को अपने खर्चे बढ़ा देने चाहिए। सब देश एक्सपेंशन के दौर से गुजर रहा है, देश देश में प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ रहा है, उस दौरान देश को अपने खर्चे, गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम कर देना चाहिए। पब्लिक रेवेन्यू, ए इंक्रीज इन द टैक्सेस टेक अवे पोर्शन ऑफ पीपल्स मनी इनकम एंड दस ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड। जब एक्सपेंशन का दौर चल रहा है, उस समय डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, अगर डायरेक्ट टैक्सेस की दरें बढ़ा देंगे तो पब्लिक को डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, हमने आपको बताया था नेशनल इनकम के दौरान, जब डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देंगे, पर्सनल इनकम आपकी, डिस्पोजेबल इनकम आपकी क्या होगी, कम होगी, आपके पास मनी सप्लाई कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम होगी और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। जब देश में एक्सपेंशन का दौर चल रहा है, टैक्सेस को बढ़ा दीजिए, सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। रिसेशन के दौरान टैक्सेस को कम कर दीजिए ताकि गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस करेगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एनी वन इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज टेल मी। एक्सपोर्ट मार्केटिंग का चैनल, एक्सपोर्ट मार्केटिंग का वीडियोस पड़ा हुआ है, राहुल जी क्लास खत्म होने के बाद मैसेज करिएगा, आपको सब पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक्सपोर्ट मार्केटिंग का कौन सा टॉपिक चाहिए आप बता दीजिए, वीडियो बना के डाल देंगे यूट्यूब पे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, किसी को डाउट हो बताइए। जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एनी बनी सेविंग की डाउट जल्दी बताइए, किसी को डाउट हो अदरवाइज लेक्चर खत्म करते हैं, कोई डाउट किसी को। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, टेक केयर।